तीसरा दिन है और लास्ट डे भी आ चुकी है, तो अब ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं गेटवे ऑफ इंडिया से। और अभी अब पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से मम्मी आज बोटिंग वोटिंग करवाने वाली है। कल भी मैंने चलाया वो जेट चलाया, पानी में मजा आया, वो भी वीडियो डाल दूंगा। और जा रहे हैं बोट पे, आधे घंटे की राइड है, टिकट करवा ली ये अपनी बोट, पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया। और अभी हम आपको दिखाते हैं बोट से व्यू। 115 रुपए की टिकट आई है इसकी, आधे घंटे की राइड है भाई, आपको दिखाते हैं पानी का बहाव। कार्तिक देखो, कार्तिक डर रहा है गाइस। बोट में आ गए, बोट पे आ गया ऊपर मेरा भाई बोल रहे हैं, गाड़ी चलने का तैयार है, लेट गाइस। अभी हम आ चुके हैं समुंदर के बीच पे, पीछे चला के गेटवे ऑफ इंडिया, और इधर देखो उधर समुंदर, क्या बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरे से व्यू करेंगे मजा। गाइस को देखो खाई जा रही है खतूड़ी, तो आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। ओए मछली, मछली भी है, हाँ अलग तरीके की मछली है ना। गाइस आपको दिखाते बड़े बड़े शिप्स यहाँ पे, तो गाइस देख सकते हैं आप व्यू, इतने सारे बड़े बड़े शिप्स हैं यहाँ पे, ये देखो ये तो आर्मी वालों के। अमरूद खा लो, तू खा ले अमरूद, लॉलीपॉप खा रहा है, नहीं कौन नहीं दूंगा। तुम तो हम आ गए शिप के इतने करीब, वहां तो और बड़े बड़े शिप है जहाँ वो टैंकर टूंकर लोड होते हैं, वो देखिए घूम कर रहा हूँ। पानी चेंज हो गया, इतना बढ़िया व्यू है, कोई कोना ही नहीं है। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं कैबिन में, यहीं से सब कुछ हैंडल होता है शिप का, और भैया ने मुझे अंदर बिठाया है। देखो मैं अकेला हूँ, और आगे आपको दिखाता हूँ व्यू, एकदम बोट के पास ले आया भैया ने हमें। यहाँ से गाइस बोट इधर उधर मोड़ सकती है, अभी भैया मेरे यहाँ से बोट मोड़ रहे हैं। देखो सामने शिप है, पीछे लोग हैं सारे, देखो तो गाइस अब हम राउंड लेके आ चुके हैं वापस की तरफ, उतरेंगे और आज बहुत खाने की साथ ही देखते हैं। बाकी मजा आया यार, यहाँ तो चलो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं मुंबई में इतनी गर्मी क्यों हो रही है, और वहाँ पर तो बाइक भी ठीक ठाक की ठंडी ठंडी हवा थी। अब आ गए हम यहाँ पे वापस, अभी उतरेंगे और जहाँ बाहर ले जाएगी वो भी आपको ले जाएगी, उसके बाद आज शाम की ट्रेन है तो वापस जाएगी। समझ नहीं देखते।
निकल चुके हैं इससे, अपनी राइड हो चुकी है और अगली राइड बैठेंगे। तो हम उतर चुके हैं और माउंट है और शिप चला रहे हैं भैया, और पप पड़ेगी वहीं पर नीचे आ चुके हैं। अब जा रहे हैं मॉम लेके जाएगी, पहले तो ऊपर चले, यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर मम्मी जहाँ लगी थी कि वहाँ जाएंगे घूमेंगे और आपको दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉग एंड कर देंगे क्योंकि आज की हमारी ट्रेन है, वापस जाना है अपन को दिल्ली। उसके बाद मिलेंगे हम आपको फिर से अपनी अगली जर्नी पे, देखते कहाँ पे जाते हैं, और आज की ट्रेन भी रात को है तो कोशिश करूँगा उसका ब्लॉग बनाने की, बाकी तो थका हुआ गाइस तो सो भी सकता हूँ मैं। तो मिलते हैं हम आपको आगे, ये हो चुकी है पागल खड़े कर लिया। गाइस देखो आज सैटरडे होने के कारण मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए कितनी भीड़ लगी पड़ी, इतनी बड़ी लाइन है ये देख सकते हो आप, इतना क्राउड है यहाँ पे, पुलिस वाले लगे हुए हैं पूरे, और यहाँ देखो भीड़ ही भीड़। कल जब मैं आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आज सैटरडे से बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि आज सैटरडे और सबको घूमना होता है, सैटरडे संडे ही मतलब ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे हम लोग परसों आए थे तो देखने में ऐसा नहीं था कि मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नॉर्मल जैसे था ना वैसे, बाकी अभी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाकी बंदे जाने का नाम नहीं ले रहे यहाँ से, बहुत गर्मी भी है यहाँ पे। एंड अब हम लोग बोरे सब लोग खड़े हैं छाँव से बचकर, यार बहुत गर्मी है यार मुंबई में सच में। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने अगले स्टॉप पे, ये है मरीन ड्राइव, यहाँ पे हम रात को आए थे तो रात को तो पुलिस वाले ने भगा दिया था, और बच्चों से वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाए तो दिन में आए हैं, तो यहाँ से ना पानी पूरा नीला नीला लगता है एकदम, और पूरा मुंबई दिखता है दृश्य, देखो देख लो गाइस अब वो दृश्य है। रात को वैसे तो ये एरिया बहुत सुंदर हो जाता है क्योंकि लाइटिंग हो जाती है यहाँ पे रोड पर, और लोग यहाँ पे ना चिल आउट करने आते हैं, पर पुलिस वाले ने पता नहीं अब क्या रूल बनाया होगा यहाँ पे। गर्मी कैसा लग रहा है गाइस? गर्मी बहुत है यार, गर्मी से बहुत परेशान हूँ मैं मुंबई में, पता नहीं इतनी गर्मी कैसे इतनी, तो दिल्ली में भी नहीं होती, दिसंबर आने वाला और इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे। ओ आप कहते हो कि हर व्लॉग में यही बता रहा है कि गर्मी है गर्मी है गर्मी है, और देखो पीछे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे, और साथ में कितना प्यारा व्यू, तो आप व्यू एंजॉय कीजिए और अपन आपको व्यू दिखाते हैं। गाइस अब ना हम लोग आए हैं हैंगिंग गार्डन में, मुंबई में ही है, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ठीक है थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चे आए हैं अभी मतलब पिकनिक है आज इनकी, तो मेरी भी पिकनिक थी, मैं गई वो मुंबई आई हूँ, सो ये रहे ये लोग बैठे हुए, उधर भी गार्डन है इधर भी गार्डन है, हर जगह गार्डन ही गार्डन है। अभी हम आए हैंगिंग पॉइंट हैंगिंग गार्डन में, और यहाँ पे ना व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा समुद्र दिखता है बढ़िया, और मैं भी पहली बार ही आया हूँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चे आए हैं पिकनिक विकनिक हो गए, यहाँ पे स्कूलों के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग स्कूलों से बच्चे आ रखे हैं, है इतना बड़ा जूते वाला घर है देख रहे हैं। देखो आज कितना बड़ा जूते का घर है, स्कूल के बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, और ये देखो भाई देखो ये है व्यू यहाँ पे, तो गाइस ये जूता मतलब गार्डन ही है, ये वो व्यू पॉइंट है, तो हम अपना व्लॉग आज का यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली जर्नी पे, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस ये पागल हो गया, इसने ना अपनी 10-15 टेक में एक वीडियो बनाता, और हमारी देखो एक बना के इसलिए थक जाता है बेचारा यार, यार ऐसा नहीं हो। चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं अपने अगली जर्नी पे।